नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद, निर्वाचन आयोग ने कर दिया है देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, जिसमें 4,809 वोट डाले जाएंगे। जरूरी होने पर 21 जुलाई को मतों की गिनती की जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। आयोग ने बताया कि 15 जून से अधिसूचना लागू होगी और 29 जून तक नामांकन करने की तारीख रहेगी। 30 जून तक इनकी स्क्रूटनी होगी और उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन वापस कर सकेंगे। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शीर्ष न्यायालय ने 5 साल के बच्चे की कस्टडी दादा दादी को दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि दादा दादी बच्चे की मौसी से ज्यादा देखभाल करेंगे। कोर्ट ने कहा कि दादा दादी का बच्चे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव मौसी से ज्यादा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने इकट्ठा हुए कांग्रेस नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन ले गया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर भी नारेबाजी की। शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के आधार पर झगड़ा करने का आरोप लगाया है। आतंकवादी संगठन अलकायदा की तरफ से कथित धमकी को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ होता है तो भाजपा को जिम्मेदार माना जाए। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता अनुपम शर्मा की तरफ से पैगम्बर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। आम आदमी पार्टी ने अपनी गुजरात यूनिट को भंग कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी नेताओं को दायित्व मुक्त कर दिया। इसके साथ ही सारे मोर्चे भी भंग कर दिए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह फैसला लिया गया है। नई लीडरशिप और नए नेताओं की टीम के जरिए ऊर्जा भरने का काम किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश में भी आपने प्रदेश संगठन को भंग कर दिया था और फिर नई टीम चुनी थी। मंगलवार को ही हिमाचल के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया था। कश्मीर घाटी में इन दिनों मचे आतंक पर आस्था भारी पड़ गई है। गांदरबल में आयोजित होने वाले मशहूर खीर भवानी मंदिर मेले में करीब 18,000 कश्मीरी पंडितों के जुटने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं। बताया गया है कि लगभग 18,000 कश्मीरी पंडितों और भक्तों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी के मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर अपने पूजनीय देवता की पूजा की है। प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के संस्थापक वंत सिंह पन्नू ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने खालिस्तान का नया नक्शा पेश किया। खास बात यह है कि इस नक्शे में शिमला को राजधानी बताया गया है। इतना ही नहीं, पन्नू ने पंजाब की आजादी के लिए जनमत संग्रह की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। संगठन ने पाकिस्तान सरकार से समर्थन देने की मांग की है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर डरा रही है। 24 घंटे में 7,220 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2 मार्च को देश में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। बुधवार को भारत में कोरोना संक्रमण से 8 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र और केरल के आंकड़ों ने खासी चिंता बढ़ा दी है। दोनों राज्यों में नए मरीजों की संख्या 2,000 के पार रही। भाषा के अनुसार महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,710 नए मामले सामने आए, जो करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक भारत को कई राज्यों को फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने भीषण लू की संभावना जताई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के मोर्चे पर खबर है कि ये जून के मध्य में रफ्तार पकड़ सकती है। सीमा पार नापाक साजिशें जारी हैं। गुरुवार को भी जम्मू और कश्मीर के अरनिया सेक्टर में संभावित ड्रोन की गतिविधियां दिखाई दे गई। खबर है कि सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद वो वापस चला गया था। इस बात की जानकारी बीएसएफ ने दे दी है। सोमवार को भी अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ड्रोन की तरफ से गिराए गए 3 सिटकी बम बरामद हुए थे। इस साल अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए केंद्र से तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर से सीधे पंचतरणी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा की मांग की गई है। बता दें कि पंचतरणी से मुख्य तीर्थस्थल लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और हेलीकॉप्टर सेवा के लिए पंचतरणी की अंतिम ड्रॉप ऑफ पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सदियों पुराने संबंधों पर चर्चा हुई। बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व पदाधिकारियों की पैगम्बर मोहम्मद पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पश्चिम एशियाई देश द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कैंसर के इतिहास में चमत्कार का दावा करने वाले न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट वाकई में हैरान करने वाली है। इसमें दावा किया गया है कि रेक्टर कैंसर के 12 मरीज बिना किसी सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी के ठीक हो गए हैं। उन्हें मात्र एक दवा दी जा रही थी। यह अध्ययन मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क के डॉक्टरों ने की है। स्टडी में कहा गया है कि डोस्टरलिमैब नाम की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मरीजों की 3rd हफ्ते में दी गई थी। ये कोर्स 6 महीने तक चला है और इसके बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए।
बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज एनडीए के चार उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। बिहार विधानसभा में सचिव के कक्ष में नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ भाजपा और जदयू के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। बता दें कि 7 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए राजद ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा और जदयू के हिस्से 2-2 सीटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए उनकी सरकार सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में यकीन रखती है, जबकि पहले की सरकारों का रुख चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को नजरअंदाज करने का था। 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने यह भी कहा कि भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। यहां से वो राजभवन जाएंगे। राष्ट्रपति आज शाम कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 77 छात्राओं सहित कुल 214 विद्यार्थियों को मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वियतनाम को 12 तेज गति वाली तटरक्षक नौकाएं सौंपी है। इन नौकाओं का निर्माण भारत की तरफ से वियतनाम को दी गई है। 10 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के तहत किया गया है। राजनाथ ने अपने वियतनाम दौरे के लिए दूसरे दिन होंग या फिर पोत पर आयोजित एक समारोह में ये अत्याधुनिक तटरक्षक नौकाएं सौंपी। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत की तरफ से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता के तहत 12 अत्याधुनिक तटरक्षक नौकाओं के निर्माण की परियोजना के सफल समापन के अवसर पर इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने बुधवार को भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया एवं प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। वो 22 जून से कार्यभार संभालेंगे। आईएमएफ की घोषणा के अनुसार वो चेंगयोंग री की जगह लेंगे। मुद्रा कोष ने 23 मार्च को चेंगयोंग री के सेवानिवृत्ति होने संबंधी घोषणा की थी। जॉर्जिएवा ने कहा कि कृष्णा हमारे मुद्रा कोष परिवार के एक बेहद सम्मानित सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जारी बयानों का अध्ययन करने के बाद उक्त प्राथमिकियां दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में कोरोना की स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को 5-स्तरीय रणनीति यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपकरण व्यवहार का पालन करने के लिए कहा है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी सीआईएल ने कोयला आयात करने के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि उसने देश में बिजली प्लांटों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2.416 मिलियन टन कोयले के आयात के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया है। अप्रैल में फॉसिल फ्यूल की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा कोयले का स्टॉक बनाए रखने के मद्देनजर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को एक बार फिर से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान मिला है। पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करने वाले क्वेरेली साइमंड्स द्वारा बुधवार 8 जून 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में MIT 100 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के चलते भाजपा के पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल अब फंसते दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस की FIFSO टीम ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल सहित 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उद्यान में तेज रफ्तार गाड़ियों के चलने पर ब्रेक लगाने के लिए एक कड़ा फैसला किया है। अब जानवरों की सुरक्षा के लिए वहां आने वाले यात्रियों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सभी पशु गलियारे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति रफ्तार का पालन करना होगा। मोटोरोला ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Moto G42। Moto G42 स्मार्टफोन में 50 यानी कि 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के लिए ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। ये हैंडसेट ब्लू और रोज कलर में उपलब्ध होगा। पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई और देवताओं की मूर्तियों को विखंडित कर दिया गया है। ये घटना कराची शहर के कोरंगी इलाके की है, जहां पर उपद्रवियों ने श्री मारी माता मंदिर में श्री देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंच पुलिस ने मुआयना करने के बाद मामले की जानकारी हासिल करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले दिनों ही फिल्म का टीजर जारी किया गया है। फिल्म में दोनों के किरदार ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। अब आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अमिताभ बच्चन के विशेषता वाला एक नया फिल्म पोस्टर जारी किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर 13 जून को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली समेत देश भर के ईडी ऑफिस के सामने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली के सभी सांसद और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य ईडी ऑफिस मार्च करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में ये मार्च और सत्याग्रह किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत को गुरुवार को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर जैन की हिरासत 13 जून तक बढ़ा दी है। ईडी ने आवेदन में उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था। ईडी ने जैन 57 को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीफ के 14 फसल समेत कुल 17 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों की एमएसपी तय करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि किसानों को उत्पादन लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, सुमन सौरभ, राज कुमार प्रसाद, सम्राट दिनेश, प्रिया यादव ऑफिशियल, सुमन सौरभ, आलोक कुमार आर्यावत, रंजन कुमार, सुनील कुमार सिंह, अमर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपको इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगी? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।